हेलो डियर स्टूडेंट वेलकम टू एग्जामपुर मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए जैसा कि आपको पता है बज चुके हैं सुबह के नौ नौ अभी बजे नहीं है नौ से थोड़ा सा पहले ही आपकी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है तो फटाफट से सभी बच्चे जुड़ जाइए आपकी क्लास हमेशा टाइम से ही शुरू होती है तो आप लेट मत हुआ कीजिए क्लास में जल्दी से टाइम पे क्लास में आ जाइए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को यहाँ पर कर सकें तो फटाफट से जितने बच्चे लाइव आ चुके हो एक एक बार सबसे पहले सेशन को शेयर कर दो इसके बाद हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं ठीक है जल्दी जल्दी से, से सेशन शेयर कर दीजिए वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग सभी को लाइक और शेयर कर दो सभी बच्चे एक बार सभी ठीक है उसके बाद हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे जैसा कि आपको पता है तिहत्तरवा जो रिपब्लिक डे था उस पर आपको ऑफर मिला था फोर्टी फाइव परसेंट का तो जो स्टूडेंट नए हैं यानी कि कहने का मतलब कि जिन बच्चों ने अब भी कोई कोर्स परचेज नहीं कर रखा और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप फटाफट से एग्जामपुर की ऑफिशियल एप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं उस कोर्स को परचेज कीजिएगा उसमें आपको कोड अप्लाई करना है भारत फोर्टी फाइव ठीक है यदि आप कोड अप्लाई करते हैं उसमें भाग फोर्टी फाइव तो आपको उसकी फीस में मिलेगा सीई परसेंट का, का जो किसान बेच चल रहा है सीईटी के लिए स्पेशल जो आपका किसान बेच चला हुआ है सेम ऑफर आपको उसमें भी मिलने वाला है तो जिन्होंने किसान बेच ज्वाइन नहीं कर रखा सभी बच्चे किसान बेच जरूर लीजिएगा ऑफर आपका कुछ ही समय के लिए है कब समापत होगा पता भी नहीं चलेगा तो जब समाप्त हो ऑफर उससे पहले पहले सभी बच्चे इसका फायदा जरूर उठाइएगा चलिए शाबाश ज्यादा से ज्यादा सेशन शेयर कर दो राम राम सभी को नमस्ते वेरी गुड मॉर्निंग सेशन शेयर करते रहना ठीक है चलो क्लास हम शुरू कर रहे हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है तो सबसे मेन ध्यान आपको बातों में नहीं रखना कौन स्टूडेंट क्या कमेंट कर रहा है उस पर ध्यान नहीं रखना आप अपने क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखिए और खुद के आंसर की तरफ ध्यान रखिए कि मुझे सबसे पहले करना है और सबसे सही करना है ठीक है तो आप मेन फोकस रखिए क्वेश्चन करने पर आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है मुझे बार बार बोलना ना पड़े आप सभी बच्चे अपने आप ईमानदारी से दिल से सेशन को शेयर और लाइक करते रहना ठीक है चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है हो जाइए शुरू उठा लीजिए कॉपी पेन और फटाफट से कर दीजिए आंसर क्या होगा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बंदूक रिलेटेड है सिपाही से उसी प्रकार कैमरा जो है वो किससे रिलेटेड होगा यानी कि आपसे एनालोगी इस तरीके का जो क्यूशन है वो आता है एनालोगी के अंदर इसमें आता है एनालोगी कि बंदूक का संबंध बंदूक का रिलेशन है सिपाही से तो कैमरे का किससे होगा बताइए वेरी गुड शाबाश ऐसे तुरंत तुरंत तुरं फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी का ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते देखिए सिपाही किसका इस्तेमाल करता है बंदूक का ठीक है तो कैमरे का इस्तेमाल कौन करेगा तो कैमरा किसके पास होता है फोटोग्राफर तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके तुरंत आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है चलिए वही इंग्लिश में दे दिया ये तुम उसी को इंग्लिश में दे रखा है ये है अगला इसको बताइए इसका बताइए ऊन का संबंध है भेड़ से तो रेशम का संबंध किससे होगा ऊन का जिस प्रकार ऊन यानी कि वूल का संबंध है भेड़ से तो आपको बताना है सिलक जो है रेशम क्या होती है सिलक, सिलक का संबंध किससे होगा जल्दी बताइए शाबाश। डी वेरी गुड अब इसमें भी बिल्कुल सही आंसर है ऊन की अगर बात की जाए तो ऊन किससे प्राप्त की जाती है भेड़ों से उसी प्रकार रेशम की अगर बात की जाए तो रेशम किससे प्राप्त होती है रेशम जो रेशम का कीड़ा होता है उससे प्राप्त की जाती है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वर्ण का संबंध है सवद से तो सवद का संबंध किससे होगा वर्ण का आया सवद ठीक है वर्ण यानी कि क्या होगा इंग्लिश में देख लीजिए करेक्टर वर्ण का मतलब करेक्टर करेक्टर से क्या बना वर्ड बना तो वर्ड से क्या बनेगा आगे जल्दी बताइए वेरी गुड आज तो अच्छी स्पीड है बस इसी स्पीड में सभी आंसर करते रहिएगा जल्दी जल्दी से ठीक है बताइए बताओ शाबाश बी देखो वर्ण यानी कि क्रिक्टर क्रिक्टर को मिलाकर क्या बनता है सवल अब शब्दों को जब हम मिलाएंगे तो उससे क्या बनेगा जब हम शब्दों को मिलाएंगे तो उससे बनेगा सेंटेंस यानी कि वाक्य तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में है एक सीरीज अब इसके आगे चार मत जोड़ना यहाँ पर चार लिखा है यानी कि क्वेश्चन नंबर ये चार है सीरीज आपकी क्या है ग्यारह फिर नौ फिर पंद्रह फिर इकतालीस और फिर उनसठ एक सौ उनसठ ठीक है तो नेक्स्ट बताइए क्या आएगा जल्दी बताओ ग्यारह नौ पंद्रह इकतालीस और एक सौ उनसठ नेक्स्ट क्या होगी वेरी गुड वेरी गुड शाबाश जल्दी बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा अभी तक किसी का आंसर नहीं आया ग्यारह नौ पंद्रह अंतर निकाल के देख लो ना सेवन सिक्स नाइन एक बच्चे का आ रहा है देखो अभी तक तो सबका आंसर तुरंत आ रहा था लेकिन अभी इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट का आया है तो देखिए यहाँ पर क्या है ग्यारह फिर नो, कम हुआ फिर पंद्रह फिर इकतालीस वर्ग फिर वन फिफ्टी नाइन अगर मैं ऐसे कर दूं यहाँ पर जो संख्या दे रखी है इसमें मैंने किया एक से गुना यानी कि ग्यारह एकम ग्यारह उसमें से अगर मैं दो घटा दू ग्यारह में से मैं एक से गुना किया फिर दो घटा दिया तो ग्यारह एकम एक ग्यारह माइनस दो कितना no. देखो नो में मैंने गुना कर दिया दो से नो दो घटाया कितना तीक. पहले एक से गुना हुआ फिर दो से गुना हुआ पहले वाले में से दो घटा दूसरे वाले में से तीन घटा नेक्स्ट में चेक करो नेक्स्ट में कर दू अगर मैं पंद्रह दिया पैंतालीस माइनस चार यानी कि नेक्स्ट में मैंने क्या किया सीधा लिख देती हूँ शॉर्ट में गुना तीन माइनस चार अब हमारी सीरीज क्या बनी एक से गुना दो से गुना तीन से गुना यहां पर हो गया चार से गुना ठीक है यहाँ क्या है माइनस दो माइनस तीन माइनस चार यहाँ हो गया माइनस पांच तो नेक्स्ट क्या होगा 159 159 में गुना होगा पांच से और माइनस होगा कितना सिक्स तो कर दीजिए सोल्व कितना होगा हाँ वेरी गुड अब बिल्कुल सही आंसर है तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा सेवन एट नाइन और सेवन एट नाइन कहाँ पर है आपका ऑप्शन बी में दे रखा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन बी होगा ठीक है अगला क्वेश्चन बनाइए फिर से सीरीज है देखो क्या कहता है तेरह उनतीस उनचास पिचहत्तर और एक सौ तो नौ ये भी आपके सामने एक सीरीज है तेरह उनतीस उनचास पिचहत्तर एक सौ नौ नेक्स्ट आपको निकालनी है क्या आएगा जल्दी बताइएगा चलिए मिस्टर राव बहुत अच्छी बात है आर आर बी मेन्स में ये क्वेश्चन आया था तो देखो कितने हाई लेवल का हो गया फिर बैंकिंग में तो रीजनिंग बहुत मुश्किल आती है वैसे भी बताइए शाबाश फटाफट से आंसर कीजिए क्या आएगा और एक एक बार सारे स्टूडेंट सेशन को लाइक like और शेयर कर दो चलिए जल्दी बताइएगा क्या होगा देखो यहां से अगर मैं देखूं तो तेरह से उनतीस हुआ कितना जुड़ा सोलह उनतीस से उनचास हुआ कितना जुड़ा बीस उनचास से पिछहत्तर हुआ कितना जुड़ा प्लस छब्बीस पचहत्तर से एक सौ नौ हुआ तो कितना जुड़ गया नौ में से पांच चार ठीक है और दस में से सात गया तीन प्लस चौतीस इतना ही जुड़ रहा है सभी में अब देखो सोलह से बीस यानी कि प्लस चार बीस से छबीस प्लस छह 26 से 34 प्लस 8 अब आपके सामने सीरीज क्या बन गई कि पहले यहां पर चार जुड़ा फिर छह जुड़ा फिर आठ जुड़ा नेक्स्ट क्या जुड़ेगा तो नेक्स्ट 34 में क्या जुड़ेगा 10 34 प्लस 10 कितना हो गया 44 109 प्लस 44 कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए 109 प्लस 44 तो कितना होगा 143 चार और एक पांच यानी कि 153 और 153 आपका कहां पर है ऑप्शन बी में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहेगा ऑप्शन बी होगा ठीक है जोड़ने में सही कीजिए 155 नहीं होगा 153 होगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा है आपको वैसे ही देखना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज्यादा जूम नहीं कर सकती काफी बड़ा क्यूशन है अगर ज्यादा जूम कर दिया तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा क्या क्यूशन है मैं पढ़ देती हूँ देखिए छह सतम कितने हैं टोटल छम्ब है छह कोलम है पी क्यू आर एस टी और यू में प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है ठीक है इसने बोला सतम्ब पी केवल तीन स्तंभ से बड़ा है सतम सतम्ब एस सतम्ब एस एक मिनट यहां पर कुछ मिस्टेक लग रही है सतम एस सतम पैसे किंतु सतम यू से छोटा है यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक है एक मिनट देखने दीजिए क्या होगा यहां पर मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है ठीक है सतम एस एक मिनट रुकिएगा सतम एस यहां पर लिख लू। टी से बड़ा। एस टी से बड़ा किंतु सतम यू से छोटा है ठीक है अब सही हो गया सतम एस क्या है टी से बड़ा किंतु यू से छोटा है सतम यू सतम पी से छोटा है सतम सबसे बड़ा नहीं है एक मिनट यहां पर भी कुछ मिस्टेक है फिर सतम यहां पर होगा क्यों सतम क्यों सबसे बड़ा नहीं है तो सबसे छोटे से बड़े सतम की ऊंचाई दो फीट है तीसरे बड़े सतम की ऊंचाई पांच फीट है तो इसके आधार पर आपके सामने क्वेश्चन क्या है निम्न में से कौन सी सतम यू की संभावित ऊंचाई हो सकती है कौन सी सतम U की संभावित ऊंचाई हो सकती है तो पहले आप डायग्राम बनाइएगा उसके बाद आंसर करना इसमें जो मिस्टेक थी वो मैंने सही कर दी है तो इसके हिसाब से बनाइए एक लाइन यहाँ एक्स्ट्रा ऐड करनी थी वो हो गई है तो बनाइए शाबाश कहा होगा पी अमन कुमारी कहाँ होगा बच्चे पी चलिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लग रही है तो हम लोग बना लेते हैं यानी कि मैं आपको बता देती हूँ पता चलेगा कि क्वेश्चन सही है या गलत है फर्स्ट देखो क्या बोला पी केवल तीन स्तंभ से बड़ा है टोटल स्तंभ कितने हैं? छ अब मैं मान लेती हूँ कि छह स्तंभ इस प्रकार है एक यहां दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ठीक है हो बे अब इसने बोला कि सतम्ब पी जो है वो केवल तीन सतम्ब से बड़ा है तीन से बड़ा है यानी कि एक दो तीन तीन से बड़ा है तो पी कहां पर आएगा यहां पर होगा ठीक है पी कहां पर होगा यहां होगा क्योंकि वो तीन से बड़ा है नेक्स्ट सतम्ब एस सतम्ब टी से बड़ा अब इसको देखो एक बार अलग ले लो सतम्ब एस क्या है टी से बड़ा किंतु सतम्ब यू से छोटा है इस प्रकार आएगा अब अगर हम पी से ऊपर देखें तो यहां पर तीन लोगों का एक साथ स्पेस नहीं है तो ये चीज कंफर्म हो गई ये तीनों कहाँ आएंगे नीचे यानी कि यहां यू यहां एस और यहां T ठीक है अब नेक्स्ट देखो सतम्ब यू सतम्ब पी से छोटा है यू कहां है पी से छोटा तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं सतम्ब क्यू सबसे बड़ा नहीं है दो स्पेस खाली है सतम क्यू जो है वो सबसे बड़ा नहीं है इसका मतलब क्यू कहां आएगा यहाँ पर अब जो बच गया उसको सबसे ऊपर रख दो तो कौन सा बच गया पी क्यू क्यू आर बच गया यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर कौन होगा आर अब इसने क्या बोला सबसे छोटे से बड़े सतम की ऊंचाई दो फीट है जो सबसे छोटा है उससे बड़े वाला सतम है उसकी हाइट कितनी है दो तो सबसे छोटा टी है सबसे छोटे से बड़ा जो है उसकी ऊंचाई कितनी है दो फीट दूसरा बोला तीसरे बड़े स्तंभ की ऊंचाई कितनी है पांच फीट तो तीसरा बड़ा कौन सा है पहला ये है दूसरा ये है तीसरा ये है तो तीसरा जो बड़ा स्तंभ है उसकी ऊंचाई कितनी है पांच है अब देखो इसने क्या क्वेश्चन पूछा निम्न में से कौन सी स्तंभ यू की संभावित ऊंचाई हो सकती है आपसे पूछा है यू की संभावित ऊंचाई तो सिंपल सी बात है ये एस से ऊपर है तो यानी कि दो से तो ज्यादा होनी चाहिए और पांच से क्या होनी चाहिए कम क्योंकि पी से वो नीचे है तो पांच और दो के बीच में यहां पर क्या दे रखा है तो पांच और दो के बीच में अगर देखें तो यहां पर दे रखा है इसने ऑप्शन डी में तीन फीट तो इसकी जो यू की संभावित ऊंचाई है वो क्या होगी तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ठीक है आगे आप समझ मनीष कुमार ऐसे क्वेश्चन बच्चे बहुत पूछे जाते हैं ठीक है इंटरेस्ट लेकर बनाइए फिर आंसर कीजिए ज्यादा पूछे जाते हैं इसलिए ये क्वेश्चन करना जरूरी है ठीक है अब ये डायग्राम माइंड में रखिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और आएगा आपके सामने उसका आंसर कीजिए ये वाला बताइए डायग्राम सेम है बस ये बता दो इसने बोला है सबसे बड़े सतम की ऊंचाई सतम्ब एस से ग्यारह फिट ज्यादा है यानी कि एस की कितनी थी दो तो सबसे बड़े सतम कौन था आर आर की ऊंचाई कितनी होगी तेरह हो जाएगी ग्यारह फिट ज्यादा है इसलिए तो निम्न में से कौन सी सतम क्याउ की संभावित ऊंचाई हो सकती है यानी कि क्याउ की बतानी है फिर कौन सी हाइट हो सकती है जल्दी से बताइएगा डायग्राम आपने बना लिया होगा तो बता दो बताइए शाबाश नो फीट चलो देखते हैं अब इसने बोला सतम एस से ग्यारह फीट ज्यादा किसकी है सबसे बड़े की की एस की दो है तो सबसे बड़े सतम की ग्यारह फीट ज्यादा यानी कि कितनी होगी तेरह आपसे पूछा है क्याऊ की संभावित ऊंचाई तो तेरह से कम होनी चाहिए और पांच से ज्यादा होनी चाहिए क्याऊ की संभावित हाइट क्या है तेरह से कम पांच से ज्यादा अब देखो ऐसा ऑप्शन जिसमें तेरह से कम हो और पांच से ज्यादा हो तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है तेरह और पांच के बीच का क्या नो फिट तो संभावित ऊंचाई क्या ले सकते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नो फिट ठीक है अगला क्वेश्चनिजम देखो क्या कहता है सभी पेपर लकड़ियां हैं सेकंड बोला कुछ लकड़ियां धातुएं हैं सभी धातुएं गिलास है निष्कर्ष क्या कहता है कुछ गिलास लकड़ियां हैं कुछ गिलास धातुएं हैं फटाफट से क्वेश्चन को बनाइए डायग्राम को बनाइए और आंसर कीजिए कौन सा निष्कर्ष यहाँ पर सही है और कौन सा गलत है जल्दी बताइए शाबाश चलिए एक एक बार सारे स्टूडेंट सेशन शेयर कर दो वेरी गुड क्लास को शेयर कर दीजिए सभी संदीप शर्मा का आंसर आ चुका है राइट बनाते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सभी पेपर क्या है लकड़ियां अब हम मान लेते हैं कि ये है हमारे पास पेपर सारे के सारे पेपर क्या है लकड़ियां तो मैं इसको सिर्फ लकड़ी लिख देती हूँ फिर कुछ लकड़ियां धातुएं हैं लकड़ी जो हमने ली वो कुछ क्या है धातु ठीक है फिर सभी धातुएं गिलास है तो धातु हमने जो ले रखी है वो सारी की सारी क्या है गिलास है डायग्राम हमारा बन चुका है अब देखो क्या कहता है निष्कर्ष फर्स्ट कुछ गिलास लकड़ियां हैं अगर यहां पर देखें हम तो कुछ गिलास देखो लकड़ियां है या नहीं तो ये यहां से जो गिलास का हिस्सा है वो कहाँ जा रहा है लकड़ियों के अंदर जा रहा है यानी कि कुछ गिलास क्या है लकड़ियां है ये आपका बिल्कुल करेक्ट है सेकंड कुछ गिलास धातुएं हैं अगर बात की जाए गिलास और धातुएं की तो धातु का पार्ट छोटा है गिलास का बड़ा है तो कुछ गिलास क्या है धातुएं हैं बिल्कुल सही तो सेकंड भी यहां पर सही होगा अब दोनों निष्कर्ष सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बोथ राइट यानी कि दोनों सही ठीक है इसका राइट आंसर क्या बनेगा बोथ राइट दोनों निष्कर्ष सही होंगे एक क्वेश्चन और बताइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कथन है कुछ पत्थर चटाने हैं कुछ चटाने क्या है हीरे हैं फिर आपसे बोला कुछ हीरे रतन है अब इसके हिसाब से निष्कर्ष बताना है कुछ रतन पत्थर है सभी हीरे पत्थर है कौन सा यहाँ पर सही होगा और कौन सा गलत होगा जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए शाबाश जल्दी बताइएगा नेक्स्ट में क्या होगा बताओ शाबाश देखो सेशन शेयर नहीं हो रहा मैंने बोला नहीं तो हो भी नहीं रहा अपने आप कर दीजिए सभी बच्चे सेशन शेयर कर दो और जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा वो लाइक भी कर दीजिए बोथ रोंग चलो देखते हैं इस बार आंसर आया बोथ रोंग देखो कुछ पत्थर चटाने हैं सबसे पहले क्या लेंगे पत्थर अब जो पत्थर है उसमें से क्या लेना है कुछ पत्थर चटाने हैं यानी कि कुछ मतलब सम थोड़ा सा हिस्सा मैंने ले लिया क्या कि ये है चटाने फिर नेक्स्ट बोला कुछ चटाने क्या है हीरे हैं तो चटाने जो ले रखी है उसमें से कुछ पार्ट क्या हो जाएगा हीरे और चौथा देखो क्या है कुछ हीरे क्या है रतन तो कुछ हीरे यहां से सीधा सीधा ले लो आप दो तीन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ सीधा सीधा लोगे सब भी आपका आंसर सही आएगा तो यहां पर हमारा डायग्राम कंप्लीट हो चुका है निष्कर्ष फर्स्ट क्या कहता है कुछ रतन पत्थर है तो कुछ रतन पत्थर है पत्थर और रतन का हमारे डायग्राम के हिसाब से कोई लेना देना नहीं है इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो गया गलत सेकंड सभी हीरे पत्थर है अब हीरे और पत्थर का भी अकॉर्डिंग टू डायग्राम कोई लेना देना नहीं है लेकिन इसने क्या बोल दिया इसने बोल दिया सभी हीरे पत्थर है तो ये चीज भी क्या हो गई गलत तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो क्या होगा बोथ यानी कि दोनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत है ठीक है कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट में क्या बोला नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो ऐसे नियोजित युवाओं को दर्शाता है कौन सा भाग बताना है आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है कौन सी ऐसी संख्या है जो अशिक्षित नियोजित और युवाओं को दर्शाती है जल्दी से बताइए क्या होगा वेरी गुड मॉर्निंग चलिए बताइए शाबाश क्या होगा राइट right आंसर दीपक का आंसर आया चार किसी का आ रहा है छह अब एक चीज इसमें ध्यान से पढ़ लेना डायग्राम में क्या दे रखा है पूछा हुआ क्या है देखो यहाँ पर दे रखा है शिक्षित यानी कि ये वाला डायग्राम किसको दर्शाता है शिक्षित को ये दर्शाता है युवा को और ये दर्शाता है नियोजित को आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा है यहां पर नियोजित हो युवा हो यानी कि युवा भी होना चाहिए नियोजित भी होना चाहिए लेकिन यहाँ पर इसने शिक्षित नहीं बोला यहाँ पर ध्यान से देखना इसने ऐसा नहीं बोला कि वो शिक्षित भी होना चाहिए यहाँ पर शिक्षित की बजाय इसने क्या बोला है अशिक्षित यानी कि वो शिक्षित नहीं होना चाहिए अशिक्षित का मतलब क्या हो गया कि वो शिक्षित नहीं होना चाहिए अब शिक्षित नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि शिक्षित शिक्षित के अंदर नहीं आएगा क्योंकि सि वो तो एक अशिक्षित होगा ठीक है तो शिक्षित के अंदर जितनी संख्या आ रही है वो तो कट गई ये तो लेनी नहीं है हमें अब देखो पीछे क्या बताओगे पीछे सिर्फ बचा अशिक्षित नियोजित और युवा अब जो पीछे बच गए जो शिक्षित हमने काट दिया तो इसके अलावा जो बच गए वो क्या होंगे अशिक्षित होंगे अशिक्षित नियोजित और युवा अब नियोजित और युवा और अशिक्षित तीनों के अंदर कौन आ रहा है चार आ रहा है कॉमन ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी होगा केवल फोर ध्यान से पढ़ना ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में जल्दबाजी में गलत मत करके आना मोस्टली बच्चे क्या देखते हैं कि यहाँ पर पांच है तो पांच आंसर कर देंगे या तीनों में कॉमन ये वाले हैं चार पांच है तो ये आंसर कर देंगे लेकिन इसने यहाँ पर शिक्षित नहीं पूछा अशिक्षित पूछा है इसलिए राइट आंसर क्या होगा फोर होगा अगला क्वेश्चन चलिए बनाइए नेक्स्ट में देखो तमिल गुजराती पंजाबी नेक्स्ट क्या आएगा बताइए शाबाश तमिल पंजाबी गुजराती अब इसमें मैं पूछती हूं आपसे क्वेश्चन क्या बताना है समझ लीजिए इसमें आपको ये बताना है कि आपके सामने सवद दे रखे हैं तमिल फिर गुजराती फिर पंजाबी इसके बाद आपको बताना है कि कौन सा ऐसा सवद है चारों ऑप्शन में जो इन तीनों के साथ में रिलेशन शो करेगा रिलेशन दिखाएगा संबंध बताएगा चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा जो इनके साथ संबंध बताएगा रिलेशन बताएगा बताइए शाबाश कौन सा है जल्दी से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा वेरी गुड कुछ बच्चों का यहाँ पर सही आ रहा है तो इसका राइट right आंसर जो होगा वो बनेगा ऑप्शन डी डी क्यों बनेगा क्योंकि यहाँ पर तमिल गुजराती और पंजाबी भाषा की बात हो रही है ठीक है यहां पर देखें दरवीड़ आर्य और हिंदू भाषा नहीं है लेकिन इन तीनों का रिलेशन फिर किससे बनेगा भारतीय से बनेगा क्योंकि ये इंडियन लैंग्वेज है ठीक है अगला क्वेश्चन सेम सेम उसी प्रकार से है तो ये बताइए नेक्स्ट में कलच ब्रेक फोरन तो इसके बाद चौथा क्या आएगा जो इनके साथ संबंध दर्शाता हो यानी कि जिस प्रकार कलच फोरन दे रखा है उस प्रकार से चौथा कौन सा आएगा जिनका इनके साथ लिंक बन जाए रिलेशन बन जाए बताइए वेरी गुड वेरी गुड संदीप शर्मा का आंसर आज भी सबसे पहले आ रहा है आप लोग शेयर तो करते नहीं हो कलच ब्रेक होरन तो चौथा क्या आएगा तो इसका राइट आंसर जो बच्चे दे रहे हैं डी उनका बिल्कुल करेक्ट है अब यहाँ आंसर आप कार नहीं दोगे क्यों नहीं दोगे क्योंकि कलच ब्रेक और होरन की बात हो रही है तो वो सिर्फ गाड़ी में ही नहीं होता ठीक है बाकी चीजों में भी होता है तो इसका रिलेशन क्लच ब्रेक हॉर्न इनका रिलेशन किससे बनेगा स्टेरिंग से बनेगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डी वालों का बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सेम टू सेम उसी तरीके का है ये भी बेसिक पास्कल और फोर्ट्रोन जिस तरीके से आपको दे रखा है बेसिक पास्कल और फोर्ट्रोन इसी प्रकार से चौथा सवद चारों ऑप्शन में से कौन सा है यहाँ पर ऐसा जो उन ऊपर वाले तीनों के साथ में रिलेशन शो करेगा क्या क्या दे रखा है भोपाल कोबोल साइक्लोट्रोन और कंप्यूटर बताइए शाबाश वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर राइट right आंसर क्या बनेगा ऑप्शन बी क्यों क्योंकि ये जो दे रखा है बेसिक पास्कल और पास ये सारी की सारी क्या है कंप्यूटर की लैंग्वेज है तो चारों ऑप्शन में से अगर हम देखें तो कोबोल जो है वो भी क्या है एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है इसलिए यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा क्या हो गया चलिए बताइए इसमें क्या बनेगा चार पांच एक से बना पांच एक चार तीन पांच छह से बना पांच छह तीन तो जीरो छ आठ का क्या बनेगा वेरी गुड अनु छह सौ चलो देखते हैं अब इसमें तो सिंपल है ना बीच वाला अक्षर जो है उसको आगे लिया यहाँ भी देखो बीच वाले को सबसे पहले लिखा फर्स्ट वाले को कहा लिखा सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला कहाँ है सबसे लास्ट में तो आप इसके हिसाब से ले लो बीच वाला सबसे पहले फर्स्ट वाला सबसे लास्ट में और सबसे लास्ट वाला बीच में अक्षरों को आपस में इंटरचेंज किया है तो क्या बन गया 680 और 680 सौ है आपका ऑप्शन बी में तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा देखो बहुत ही शानदार और अच्छा क्वेश्चन है आपसे पूछा है देखते हैं कितने बच्चों को याद है मैंने दो तीन बार आपको करवा दिया काउंटिंग द फिगर बहुत अच्छे से करवाया था डायग्राम बनाकर और ये भी प्रैक्टिस भी करवाई थी कि आप जो भी डायग्राम दिखे उसमें से तोड़ना सीखिए डायग्राम को अलग करना सीखिए उसी के हिसाब से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें बताइए कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी फटाफट से बता दो सबसे पहले और सबसे सही आंसर किसका आता है मैं देख लेती हूँ ट्रायंगल की संख्या बताइए शाबाश। और एक एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर करो वेरी गुड पढ़ते नहीं हो ना आप कोई भी बच्चा चलिए बोलना छोड़ देना चाहिए आई थिंक आपको क्योंकि आप क्लास जितने बच्चे देखते हो उनसे सिर्फ क्लास को लाइक भी नहीं किया जाता तो आप शेयर फिर क्या करोगे बार बार मैंने आज, आज की क्लास में ही कम से कम मैंने तीन से चार बार बोल दिया कि सभी बच्चे एक एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए लाइक कर दीजिए लेकिन आप लोगों ने अभी तक भी लाइक नहीं किया है ठीक है ध्यान रखना इस चीज का थर्टी टू आंसर आना शुरू हो गया चलिए देखते हैं अब याद कर लो ये डायग्राम जो मैंने आपको करवाया था इस तरीके से ठीक है इस तरीके की जो डायग्राम होगी उसमें ट्रायंगल कितनी बनती है कैसे काउंट करते हैं तो सभी पार्ट में नंबर लेना है एक दो तीन जितने नंबर आए सबको जोड़ दो यानी कि तीन दो पांच और एक इस प्रकार से काउंट करना है तो देखो ऊपर का अगर हम देखें ये वाला ओनली ऊपर वाला हिस्सा देखो तो इसके अंदर कितने बनेंगे एक दो तीन चार चार तीन सात दो नौ और एक दस ठीक है फिर सेम इधर वाला पार्ट ले लो इसके अंदर भी सेम टू सेम है चार पार्ट है एक दो तीन चार तो यहां भी कितने हो गए दस फिर ये वाला हिस्सा ले लीजिए तो इसमें भी सेम टू सेम क्या है एक दो तीन चार चार पार्ट है तो चार तीन सात दो नौ और एक दस यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए दस प्लस दस प्लस दस ठीक यहाँ तक हो गए तीस अब नेक्स्ट देखो कहां बनेगा तो ये वाला जो है बीच का हिस्सा ये तो हमारा बच गया ना जो मैंने येलो किया ये हिस्सा हमारा बच गया इसको हमने काउंट नहीं किया तो इस तीस में प्लस एक ये जोड़ दीजिए और उसके बाद सबसे बड़े वाला हिस्सा जो है सबसे बड़ा पार्ट है बाहर का सबको मिलाकर वो भी हमने काउंट नहीं किया तो प्लस एक उसको भी जोड़ दीजिए तो यानी कि कुल मिलाकर इस डायग्राम के अंदर ट्राइंगल की संख्या त्रिभुज की संख्या कितनी होगी बत्तीस होगी थर्टी टू होगी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन फर्स्ट होगा बिल्कुल करेक्ट ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी से बता दो क्या पूछा है दिए गए शब्दों का एक तरक संगत रूप में क्रमबद्ध कीजिए यानी कि की सार्थक क्रम में अरेंज करना है क्या क्या शब्द दे रखा है रुई कपड़ा सूट और धागा रुई कपड़ा सूट और धागा अरेंज करके बताइए क्या बनेगा वाह वेरी गुड अब तक भी आपने वो नहीं किया लाइक like. चलो पढ़ लो यही बहुत है आपके लिए बताइए बताइए जल्दी से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर सबका सार्थक कर्म में अरेज करना है बहुत कम शब्द है तो फटाफट से सबका आंसर आ गया अब देखिए सबसे पहले क्या है सबसे पहले तो कॉटन लेंगे ना हम रुई लेंगे उसके बाद उस रुई से क्या होता है धागा बनाया जाता है यानी कि चार नंबर फिर धागे से क्या होता है कपड़ा बनता है यानी कि दो नंबर और कपड़े से क्या करते हैं सूट बनता है खासकर लड़कियों को पता है है ना सूट की बड़ी शौकीन होती है तो कपड़ों से क्या होता है सूट बनता है तो यहां पर राइट right आंसर क्या बनेगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा वन फोर टू थ्री सार्थक क्रम में करने पर अगला क्वेश्चन बताइए दिख रहा है क्या अच्छे से देख लीजिए यहां पर है सत्रह यहां पर है अठारह ठीक है यहां पर है बारह सो पच्चीस चलिए मैं थोड़ा सा लिख देती हूं इसको यहां पर है सत्रह फिर यहां अठारह यहां पर बारह सो पच्चीस यहाँ पर तेरह यहाँ पर चौदह यहाँ पर है सात सौ उनतीस फिर यहां उन्नीस यहाँ पर चार और ये वाला आपको निकालना है अब बताइए अब बताइए क्या होगा क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट कर दिया हाँ वो तो अलग बात है ठीक है कोई बात नहीं पर सूट की शौकीन भी सब होते हैं जींस पहने अलग चीज है सूट के शौकीन भी बहुत होते हैं चलिए बताइए क्या बनेगा राइट आंसर वेरी गुड पांच सौ उनतीस देखो बच्चे सिंपल है यहां पर है सत्रह यहां पर है अठारह अगर मैं दोनों को जोड़कर देखूं सत्रह प्लस अठारह तो सत्रह दो चौतीस और एक पैंतीस कितना बन गया पैंतीस अगर मैं इस पैंतीस का स्केयर करूं ऐसी संख्या जिसके पीछे पांच आए आपको एक नई चीज मैं यहां पर बता देती हूं ऐसी संख्या जिसके पीछे पांच आए उसका स्केयर कैसे करोगे अगर आपको सीधा नहीं याद तो उसका स्केयर हमेशा ध्यान रखना जिसके पीछे पांच आता है पांच का स्केर यानी कि पच्चीस ऐसी संख्या जिसके पीछे पांच आएगा तो उसके पीछे स्केयर के पीछे हमेशा कितना आएगा पच्चीस आएगा अब आगे कितना बच गया तीन जितना बच गया उससे एक बड़ी संख्या लेकर गुना कर दो तीन गुना चार चार बारह यानी कि पैंतीस का स्केयर कितना होता है बारह सौ पच्चीस डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं सिक्सटी फाइव का स्केयर तो ऐसे गुना करने मत बैठना कि पैंसठ गुना पैंसठ करो फिर आप आंसर निकालो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो पीछे पांच आ गया तो यानी कि 25 आगे 6 है तो 6 गुना 7 7 ठीक है 42 तो 50 का स्क्वायर क्या होगा 4250 होगा ठीक है इस प्रकार से निकालिए चलिए इसमें देखो 13 और 14 13 प्लस 14 कितना होगा 27 और 27 का स्क्वायर कितना होता है 729 729 तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 19 प्लस 4 23 तेईस का स्केयर क्या होगा तो तेईस का स्केयर होता है फाइव टू नाइन यानी कि पांच सौ उनतीस तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी थी, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ चीजें जो नई आए वो भी हमें सीख लेनी चाहिए अगला बताइए जल्दी से फिर से बहुत ही शानदार सा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने एक तीन सात इकतीस इक्कीस तिरसठ आठ चार दो बत्तीस बाईस तो यहां पर क्या आएगा बताइए जल्दी बताओ शाबाश जल्दी से बताइए जो चीजें नहीं है मुझे लगेगी कि बतानी चाहिए आपको वो मैं आपको बता देती हूँ ठीक है अच्छी चीजें अच्छी बातें हमेशा सभी के साथ शेयर करनी चाहिए इसीलिए मैं भी कर देती हूँ अब वो टॉपिक तो था मैथ का जिसमें हम स्केयर निकालते हैं, लेकिन अच्छी चीज थी किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता बाय चांस क्लास मिस हो जाती है मैथ की भी तो उस केस में मैंने आपको बता दिया ताकि आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट ना हो जिस संख्या के पीछे पांच आएगा उसका स्केयर हम डायरेक्ट कर देंगे ठीक है सेवेंटी एट और सिक्सटी सिक्स दो आंसर कैसे आ रहे हैं सिक्सटी एट तीन आंसर हो गए देखो इसमें क्या है एक प्लस तीन प्लस सात कितना हो गया ग्यारह प्लस इकतीस प्लस इक्कीस सबको जोड़ेंगे तो कितना बन गया सिक्सटी थ्री और यहां पर कितना दे रखा है सिक्सटी थ्री कुछ भी नहीं करना बाहर वाली सारी संख्या को उठाकर जोड़ दो तो दो प्लस चार प्लस आठ प्लस बत्तीस प्लस बाईस सबको जोड़ेंगे तो कितना बना सबको जोड़ने पर बनेगा 68 और 68 एट कहां है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो बनेगा ऑप्शन ए ठीक है अगला क्वेश्चन बताइए फिर से एक क्वेश्चन और है आपके लिए मिसिंग नंबर जल्दी बताइए इसमें आपसे पूछा है देखो थोड़ा सा इसमें वो है हाफ हुआ है यहां पर चार है थोड़ा मैं लिख देती हूँ डार्क ताकि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ सात है ये सही दिख रहा है यहां पर आठ है ठीक है अब बता दो। सारा मैंने लिख दिया है संख्या अच्छे से दिख रही है बताइए नेक्स्ट में क्या होगा वेरी गुड शाबाश जल्दी से आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहने वाला है? है और चार दो आंसर आ रहे हैं एक चीज कंफर्म कर लो कि छह आएगा या चार आएगा आंसर आ रहे हैं बच्चों के अलग अलग तो कौन सा आएगा वास्तव में छह होगा चार होगा कंफर्म कर लीजिए जल्दी बताओ वेरी गुड वेरी गुड देखो अब इसमें एक चीज देखना अगर मैं इन दोनों को लू और दोनों की गुना करूं नौ चौके कितना होता है छत्तीस ऐसे तो नहीं होगा है ना आठ पाँच चालीस बारह सत्रह चौरासी दस निम्नबे बारह एक सौ बीस देख लो एक बार चलो गुना से तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा अब दूसरा तरीका देखते हैं गुना से तो नहीं होगा ठीक है अब अगर मैं सीधा देखूं ऐसे जोड़कर कि नौ और चार कितना होता है तेरह इन दोनों को अगर मैं जोड़ू आठ प्लस पांच कितना होता है तेरा यानी कि दोनों साइड की संख्या का जोड़ क्या है सेम है अब इसमें देखो 12 प्लस सात कितना होता है 19 10 प्लस नौ कितना होता है 19 संख्या का जोड़ सेम सेम बन रहा है तो इसमें भी सेम बना दो एक साइड का तो दे रखा है 12 प्लस आठ कितना होता है 20 तो 16 में कितना जोड़े कि 20 बन जाए तो 16 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा सोलह तो प्लस चार क्या होगा बीस होगा तो यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो क्या बनेगा ऑप्शन सी होगा चार ठीक है हम्म वेरी गुड नेक्स्ट बताइए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है देखो एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में अठहत्तर परसेंट यानी कि सेवेंटी एट परसेंट सफल रहे यदि असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या वन सेवेंटी सिक्स है और 34 परसेंट प्रथम श्रेणी में सफल हुए तो कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी सफल हुए बताइए कितने विद्यार्थी प्रथम श्रेणी सफल हुए बताइए शाबाश एक मिनट रुके इसमें मुझे कुछ मिस्टेक लग रहा है है ठीक असफल विद्यार्थियों की कुल संख्या ये है ठीक है थर्टी फोर श्रेणी में सफल हुए, तो हुए हैं टोटल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है आपको जो प्रथम श्रेणी में आपके सामने सफल हुए हैं देखो अब इस क्वेश्चन को आपको मैं देती हूँ टाइम टाइम देना है आपको ठीक है आज हमारी क्लास वैसे भी जल्दी शुरू हुई थी थोड़ा सा आपको गेप देना जरूरी है तो इस क्वेश्चन को हम ले लेते हैं होमवर्क में ठीक है क्योंकि अभी आगे आपकी दस बजे एप्लीकेशन पर क्लास होगी रीजनिंग की तो सभी बच्चों को वहां पढ़ना है तैयार होके आना अच्छे से कॉपी पेन लेकर जो मैंने होमवर्क दिया था पीछे की क्लास में वो भी सारे बच्चे करके आना बीच में थोड़ा गेप है खाना वाना खा लो चाय पाए पी लेना फिर आ जाना क्लास में ठीक है होमवर्क का क्वेश्चन है आपके सामने इसको नोट कर लो क्लास ऑफ होते ही जितने बच्चों ने क्लास देखी है तुरंत कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या बना ठीक है इसको सोल्व करवाऊंगी मैं कल की क्लास में तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और जिन बच्चों ने अब भी कोई बेच नहीं ले रखा वो एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से बेच लीजिए जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हैं एस एस सी सी हो या एस एस हो या फिर रिट हो या जो भी एग्जाम है आप जिसकी भी तैयारी करते हैं यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल यूपी लेख पास जिस एग्जाम की भी आप तैयारी करते हैं आपको सभी एग्जाम के कोर्स मिलेंगे ठीक है एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप से आप कोर्स को परचेज कीजिए उस पर कोड अप्लाई कीजिए भारत 45 आपको मिलेगा सीधा सीधा 45 परसेंट का डिस्काउंट इसके साथ ही हरियाणा सीईटी के लिए स्पेशली आपका चल रहा है किसान बेच तो किसान बेच जिन्होंने नहीं लिया बेहतरीन शानदार सी तैयारी के लिए किसान बेच को जरूर ज्वाइन कीजिए और उसमें भी आपका ऑफर है 45 परसेंट का कोड अप्लाई कर देना भारत 45 तो आपको उसमें 45 परसेंट का ऑफ मिलेगा ठीक है हो गया यहां तक बताइए शाबाश एक बार चलो तो आज की क्लास को हम यही तक रखते हैं सभी बच्चे एक बार सच्चे मन से सच्चे दिल से कमेंट करके जरूर बता देना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी आपकी वैल्यूएबल फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आप नए हैं तो हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर से जरूर जुड़िए यानी कि एग्जामपुर चैनल को आप सभी स्टूडेंट जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए जय हिंद जय भारत